ये प्रकरण ये है कि इसमें जो गिरफ्तारी की गई थी रिजॉर्ट के मैनेजर की, उनकी ओर से अवमानना याचिका हाईकोर्ट में फाइल की गई, और ये कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं गिरफ्तारी के संबंध में, अन्नेश कुमार गाइडलाइंस हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में निर्देशित किया था कि पुलिस अधिकारी 7 साल से कम की मैक्सिमम सजा वाले जो आपका ऑफेंसेज हैं या 7 साल तक के, उनमें सीधे गिरफ्तारी नहीं कर सकते। यदि गिरफ्तार करना अत्यंत आवश्यक है तो फिर उनको एक नोटिस देना पड़ेगा, उस नोटिस के अंदर उनको ये कारण बताने पड़ेंगे कि किन कारणों से बिना नोटिस दिए हुए उनको गिरफ्तार करना पड़ रहा है। यहाँ पर जिस अपराध में गिरफ्तारी की गई थी वो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत वो गिरफ्तारी नहीं की जा सकती थी बिना नोटिस बताए हुए, और यहाँ तक कि उसमें कारण भी दर्शाए नहीं गए थे। तो कोर्ट ने इसमें मानवाधिकार उल्लंघन का मामला पाते हुए इसको दर्ज किया है, तो इसी प्रकरण पर विभागीय कार्यवाही की गई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश भी हैं कि यदि कोई पुलिसकर्मी दिशा निर्देशों के उल्लंघन में किसी नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से खिलवाड़ करता है तो उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाए। आगे भी इसमें कार्रवाई जी, इसमें काफ़ी कुछ दिशा निर्देश हैं। इसमें यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि उनकी रिमांड गलत तरीके से जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा एक्सेप्ट की जाती है तो हाईकोर्ट भी अपने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के विरुद्ध उचित कदम उठा सकती है विभागीय। और साथ ही इसमें कुछ अन्य पुलिसकर्मी हैं जिनके विरुद्ध अवमानना याचिका दायर की गई है, तो संभवतः आगे उनके संबंध में भी हाईकोर्ट आदेश पारित करेगी।